उनके कैरेक्टर में ऐसा है कि जब भी वो खुश होते हैं तो डांस करने लग जाते हैं, यू नो, स्माइल करने लग जाते हैं। वेल हाँ, क्लोजनेस धीरे धीरे इवेंचुअली बढ़ेगी, बट अभी तो धीरे धीरे बढ़ रही है। फर्स्ट टाइम है जब पाखी बोल रही है कि एक हस्बैंड वर्ड टर्म जो यूज हुआ है, तो अगस्त्य के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। सबसे पहले तो अगस्त्य जानना चाहूंगा किस बात की खुशी है जब अगस्त्य इतना डांस करती हुई नजर आ रही है। वेल, फर्स्ट टाइम है जब मुझे इंस्पेक्टर पकड़ के ले जाता है और वो यहाँ पे आती हैं और सबके सामने बोलती हैं कि तो मेरे हस्बैंड को ऐसे नहीं कर सकते। तो फर्स्ट टाइम है जब पाखी बोल रही है कि एक हस्बैंड वर्ड टर्म जो यूज़ हुआ है, तो अगस्त्य के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि यार उसने हस्बैंड बोला मुझे। तो जब पहली बार कोई किसी को हस्बैंड बोलता है या बेबी कुछ भी बोलता है, तो एक स्पेशल मोमेंट होता है, इसलिए बहुत खुश है अगस्त्य। और ऑब्वियसली उनके कैरेक्टर में ऐसा है कि जब भी वो खुश होते हैं तो डांस करने लग जाते हैं, यू नो, स्माइल करने लग जाते हैं। सो वैसे इसलिए वो डांस कर रहे हैं फुल एकदम पहला नशा टाइप। जब हस्बैंड बोला गया तो लगा अगस्त्य को कि अब बचपन का सपना पूरा हो गया। हाँ, लगा यही, इसलिए वो बहुत खुश हैं। दिली एक खुशी उनको मिल रही है कि भाई इसने हस्बैंड बोला, दैट मीन्स कि हमारी जो चीज़ें हैं वो फॉरवर्ड जा रही हैं। अभी आगे ऐसा लग रहा है कि मतलब कि जो इतनी मेहनत की गई है जो पाखी को पाने के लिए, अब जब इतना क्लोजनेस बढ़ रही है दोनों के बीच में, तो वो रंग लेकर आ रहे हैं। वेल, हाँ, क्लोजनेस धीरे धीरे इवेंचुअली बढ़ेगी, बट अभी तो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्यों एकदम से बढ़ नहीं सकती, क्योंकि अभी वो अनकंफर्टेबल जोन अभी भी चल रहा है पाखी का। और अगस्त्य फुल कोशिश कर रहे हैं कि पाखी को अपने मतलब जो प्यार, जिस तरह से प्यार करते हैं, एक ऑब्सेसिव लवर तो है ही है, बट जो प्यार है वो बहुत ही सच्चा है, तो उसको वो पाखी देखे और उसको नज़रअंदाज ना करे।